नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और गलत काम के लिए सेना के कैप्टन का होगा कोर्ट मार्शल। सेना के कैप्टन पर नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। नोटबंदी के दौरान आर्मी कैप्टन की जालसाजी का खुलासा, भ्रष्टाचार के लगे 12 आरोप, सेना ने किया कोर्ट मार्शल। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी केस अड्डे पर। भारतीय सेना के एक अधिकारी के खिलाफ नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार और गलत कार्य करने के लिए 12 आरोपों में सामान्य कोर्ट मार्शल GCM की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। नोटबंदी के दौरान कुछ नए नोट पेश किए गए थे और पुराने चलन से बाहर कर दिए गए थे। अधिकारी के खिलाफ GCM की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से पश्चिमी कमांड मुख्यालय में होगी, जहां नोटबंदी में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। करेंसी नोटों का रिकॉर्ड नहीं किया गया था जमा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सेना के कैप्टन ने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने की अनुमति ऐसे दिनों में दी थी जब लेनदेन की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। अधिकारी ने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेना के केंद्रीय बेस पोस्ट ऑफिस के पास से निकाले गए करेंसी नोटों का रिकॉर्ड भी जमा नहीं किया गया था। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी ने मामले में एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए नोटों को निकालने के लिए 5000 से अधिक जाली फार्मों को इकट्ठा किया। भारतीय सेना नोटबंदी में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल को ठहराया गया था दोषी। इससे पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल को पिछले हफ्ते एक कोर्ट मार्शल द्वारा पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बलोक पे वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ बहुत सख्त रहे हैं और ऐसे मामले में कई अधिकारियों को दंडित भी किया गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।